और सांखियो रहेगा तैयो नहीं बनेंगे हम लोग उनके साथ, नहीं नहीं कभी नहीं। कहे बेटा देखिए अभी कहें चिट्ठी में बताते हैं। हाँ, देखिए हम समर्थन दे के आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, कि हम लोग चारों जो हैं एकदम बिहार के चारों खूट पिलर है, कि बिहार के कोई डोला नहीं सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यह दावा और ये सबसे बड़ा खुलासा उनके पार्टी के विधायक और उनके रिश्तेदार ज्योति मांझी ने किया है। उन्होंने कहा है कि जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने एक पीले रंग का लिफाफा भी दिखाया है। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ज्योति मांझी ने लिफाफा दिखाया और कहा कि हम सभी लोगों ने अपना समर्थन नीतीश कुमार को दे दिया है, अब कहीं भी कोई खेला होने की गुंजाइश नहीं बचती है। जीतनराम मांझी के चार विधायकों को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, आज बिहार विधानसभा पहुंचकर जीतनराम मांझी ने अपने चारों विधायकों को बुलाया और सबके साथ मिलकर नीतीश कुमार के पक्ष में जो है उन्होंने बहुमत जो है वो सिग्नेचर किया हुआ जो समर्थन पत्र रहता है वो दे दिया। ज्योति मांझी का बयान सुना रहे हैं हम आपको कि वो किस तरीके से अपना जो समर्थन पत्र है वो दिखा रही हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो उनके समाज के लोगों के साथ इस तरीके से भेदभाव क्यों कर रहे हैं। जीतनराम मांझी के समर्थन का यह पूरा बयान सुनिए। आपसे घंटों बात किए, उसमें स्पष्ट आपको बता दिए कि विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी अगर दिए हमारे नेता को डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को, तो हम ये तकलीफ नहीं है कि यही विभाग क्यों मिला। तकलीफ यहाँ पर है हमारे एक भाई के रोला करके एक घर में हंसा रहे हमारे भाईवा के, ये न तकलीफ है। दूसरा तकलीफ के है कि कोई दीदी लोग को नहीं दिए, हमारे महिला का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, बस हमारा दो ही गोल तकलीफ है। अखुर मेरा व्यक्तिगत तकलीफ है, हमारे नेता का है कि नहीं हम नहीं जानते। मतलब महिला मंत्री नौ गो में जरूर एगो को रहना चाहिए था। अब बहुत काबिल काबिल महिला है, देखिए यहाँ पर क्या होते है, आप ही है काबिल ना। हम काबिल नहीं, सामाजिक कार्यों में सक्रिय है, नहीं है, हम गलत बोले, नहीं हम काबिल नहीं है, हमको इच्छा ही नहीं। सदा जी जदयू से थे, उनको अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मिला था, संतोष जी जब इस्तीफा दिए थे उसके बाद, अब संतोष जी को विभाग नहीं मिला, रत्नेश जी को शायद विभाग नहीं मिला, कोई भी मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, यही मामला चल रहा है। छह महीना में क्या कर दिए जो नहीं मिलना चाहिए। हमको लगता है कि अगर अक्षम है तो सक्षम कौन बनाएगा, आप ही सब ना बनाएंगे। आप लोग सीनियर लीडर है राजनीति के, राजनीतिक क्षेत्र में, तो अगर अक्षम है तो उनको सक्षम बनाना चाहिए था, उनको और परिपक्व करना चाहिए था और गाइडलाइन देना चाहिए था ताकि वो परिपक्व हो जाए। और जो ऑफर में ये सब ऑफर हम जो आज आए हैं ना, सब जगह से ही पता लगा रहे हैं ऑफर आप ही लोग किसी को दिला रहे हैं मीडिया वाला, और किसी को सच आना चाहिए तो कल को जानते हैं दलित समाज बोलेगा ना कि आपको तो मौका मिला था, कहे बने मुख्यमंत्री। चल अच्छे से अब छोड़ो, जी मांझी साहब मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, नहीं हम बनल है माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी का है। अरे वो बस संख्या बाल है ऐसे कर रहे हैं, कौन है संख्या कहाँ है, और संख्या रहेगा तैयो नहीं बनेंगे हम लोग उनके साथ, नहीं कभी नहीं। कहे बेटा देखिए अभी कहे चिट्ठी में बताते हैं। हाँ दिखा मैडम इधर आ जाइए, चिट्ठिया दिखा दे। अरे बहुजन है, बहुजन का चैनल है, बोलिए खुल के। देखिए हम समर्थन दे के आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, कि हम लोग चारों जो हैं एकदम बिहार के चारों खूट पिलर है, कि बिहार के कोई डोला नहीं सकता है। बिहार को बिहार को कोई डोला नहीं सकता, जैसे घर बनता है चार गो कम्बर रहता है ना उसी तरह बिहार के चार गया दया लौटना है, परसू चिट्ठिया खाली ठीक है।
हम लोग मुख्यमंत्री जी को समर्थन दिए हैं। इस समर्थन वाला है मैडम? हाँ, समर्थन वाला चिट्ठी है। ठीक ठीक, आइए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।